الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين وعلى آلك وأصحابك يا قائد الغر المحجلين الصلاة والسلام عليك يا إمام الحرمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نقصارا پیر کامل کاملارا رہنما گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم سخی کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں نذرانۂ درود و سلام عرض کرنے کے بعد جملہ سامعین حاضرین بزرگ و دوستو عزیزان جی قدر دور و نزدیک سے بڑی محبت و عقیدت سے بارگاہ گنج بخش میں حاضری کے لیے اور جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے تشریف لانے والے جملہ غلامان گنج بخش و غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آج کے جمعۃ المبارک میں پوری دنیا سے پاکستان سے عشاقان محافظ ختم نبوت پاسبان ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ حضرات گرامی میں سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی وساطت سے حضور فیض عالم کی بارگاہ سے اللہ رب العزت کی رضا پر راضی رہتے ہوئے سب سے پہلے تو انا للہ و انا الیہ راجعون بطور مومن ہمارا ایمان اور عقیدہ یہی ہے اور اپنے پروگرام کی طرف بڑھنے سے پہلے بالکل ابتدا میں ہی حضرت استاذ العلماء شیخ الحدیث والتفسیر امیر المجاہدین اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ناموس کی حفاظت کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ آقا کے قدموں میں نچھاور کرنے والی اور گستاخان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عالم اسلام میں بلند ہونے والی ایک پرجوش پر ایمان نڈر دلیر بہادر ہر قسم کے دنیاوی خطروں سے بالاتر
और सिर्फ नबी पाक अलैहिस्सलाम की नामूस और इज्जत पर पहरा देने वाले कायद जनाब अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी शख्सियत और उनकी खिदमात को बारगाह गंजबख्श से खिराज अकीदत, खिराज मोहब्बत, नजराने अकीदत पेश करते हुए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके दरजात को बुलंद करे और उनके सदके से अल्लाह हमें मुआफ़ भी फरमाए और नामूस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उनकी और सब गुलामों की खिदमात को कबूल फरमाए। फ्रांस में जो नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुस्ताखाना खाकों की जसारत की गई, पहले इनफरादी सतह पर या गैर सरकारी सतह पर यह जुर्रत होती थी। तश्वीशनाक बात यह हुई कि उसे वहां के प्रेसिडेंट ने सरकारी सतह पे अम्ब्रेला दिया और पूरी दुनिया में बसने वाले जो अरबों मुसलमान हैं बिला तफरीक मसलक हर एक के ईमानी और रूहानी जज्बात को शदीद तरीन ठेस पहुंचाने की जसारत की, जिसके खिलाफ पूरी दुनिया में बिलखसूस पाकिस्तान में शदीद रद्द अमल जाहिर हुआ और एक जो तसल्ली बख्श बात किसी हद तक सामने आई वो ये कि गवर्नमेंट लेवल पर सरकारी सतह पर उसको कंडेम किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अक़वामे मुत्तहिदा में इस मसला को उठाने का इंदिया दिया, तमाम दुनिया के ममालिक के सरबराहान को खतूत लिख कर उनकी गैरत ईमानी को झंझोड़ने की कोशिश की, जो बहुत ही मुस्बित और बहुत ही खुश आइन बात है। उसी के तसलसल में, उसके रद्द अमल में, उसके जवाब में नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा गौसिया, नारा हैदरी, मैं आज की इस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाने वाले जुमला मेहमानान गिरामी कदर को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। उसी के तसलसल में हुकूमत पाकिस्तान ने बिलखसूस वजीर आला पंजाब जनाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने हफ्ताए इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाकर नबी पाक अलैहिस्सलाम से अपनी मोहब्बत का, हुज़ूर अलैहिस्सलाम से अपने ईमानी ताल्लुक का भरपूर इजहार फरमाया। और इस सिलसिले में डिवीजनल लेवल पर, फिर उसके बाद ज़िली लेवल पर, बल्कि यूनियन लेवल तक इस हवाले से नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सीरत पाक के हवाले से प्रोग्राम मुनक़िद किए गए, किए जा रहे हैं। और उसी सिलसिले की एक बहुत बड़ी कड़ी और लड़ी कल आलमी मशायख़ उलमा कॉन्फ्रेंस, जिसकी मेज़बानी की सआदत महकमे औक़ाफ़ मज़हबी उमूर को हमारे वज़ीर औक़ाफ़ साहब जनाब सेक्रेटरी औक़ाफ़ साहब और ख़ास तौर पर हमारे मखदूम मोहतरम मेहमान ज़ी वक़ार जनाब हज़रत डॉक्टर सैयद ताहिर रज़ा बुखारी साहेब डायरेक्टर जनरल मज़हबी उमूर औक़ाफ़ और उनके साथ मखदूमुल उलमा हज़रत क़िबला अल्लामा क़ारी मोहम्मद आरिफ सयालवी साहेब दामत बरकातुकुमुल आलिया और सबको अता हुई, जो अपनी नौइयत की, अपने हाज़रीन के लिहाज से, अपनी गुफ्तगू के लिहाज से, वेन्यू के लिहाज से, अपने पूरे डेकोरम में एक तारीख साज कॉन्फ्रेंस थी। और ज़ाहिर है नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के इश्क के जितने सोते हैं वो तो फूटते ही बारगाह गंजबख्श से हैं। ये इन्हीं लोगों का अता करदा सबक और फैज़ान जो खित्ते बर्रे सगीर को अता हुआ और हम सब और आप इसके अमीन ठहरे। इसी सिलसिले की कड़ी आज की ये रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस है,
जिसमें मैं और आप सब शरीक हैं। इस पर मज़ीद कुछ बात इंशाअल्लाह हस्ब मौका में अर्ज़ करता रहूँगा। मैं बिला ताखीर इस अजीम शान कॉन्फ्रेंस का आगाज़ फरमाने के लिए मुल्क पाकिस्तान के नामवर अजीम कारी जनाब कारी मोहम्मद रफ़ीक नक्शबंदी साहब, जिन्हें अल्लाह ताला ने कुरान पाक की बरकत से एक मुनफरिद एजाज़ और इज़्ज़त से नवाजा है, तशरीफ़ लाते हैं और अपने मखसूस अंदाज में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उतरने वाली आयात रहमत की खूबसूरत तिलावत के साथ इस कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ाते हैं। जनाब कारी मोहम्मद रफ़ीक नक्शबंदी साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا الذين آمنوا وكانوا يتقون ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله والسميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما
मक्के के काफिर इकट्ठे होकर आपस में कहने लगे कि कितनी अजीब बात है, तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको रसूल और पैगंबर मानते भी नहीं हो और साथ मोहम्मद भी कहते हो। मोहम्मद का माना है अल्लदी युहमदु हमदम बाद हमदिन, वो जात जिसकी मुसलसल तारीफ पर तारीफ की जाए, तारीफ ही तारीफ की जाए। उमा कैसे बेवकूफ हो, रसूल भी नहीं मानते, पैगंबर भी तस्लीम नहीं करते और मोहम्मद भी कहते हो। उन्होंने कहा ठीक है जी, माजल्ला अस्तगफिरुल्ला, नकल कुफर कुफर ना बाशद। उन्होंने कहा जी हम आज के बाद इनको मुजम्मम कहेंगे। आपकी खिदमत में अर्ज किया गया कि ये काफिर अब आपको मुजम्मम कहते हैं। अल्लाह अकबर, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये मुजम्मम किसी और को कहते हैं, मुझे तो रब ने मोहम्मद बनाया है। मुझे तो रब ने मोहम्मद बनाया। इससे बरकत हासिल करते हुए जो मैंने बात आगे अर्ज करनी है, काफिरों ने, गुस्ताखाने रसूल ने हर जमाने में हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की जसारत की, गुस्ताखाना खाके बनाने की जसारत करके अपने अंदर के बुग्ज नफरत को इस तरीके से जाहिर करने की जसारत की। उसके जवाब में हमने, आपने, बल्कि अब मैं कह सकता हूं हुकूमत पाकिस्तान ने, महकमे औकाफ ने यह प्रोग्राम मुनक़िद करके आलम कुफर को पैगाम दिया है, उन्हें यह मैसेज दिया है कि तुम जिसके गुस्ताखाना खाके बनाते हो वो कोई और है, वो हस्ती कोई और होगी जिसके लिए तुम बनाते हो, वो जात कोई और है, आओ हम तुम्हें बताते हैं, आओ हम तुम्हें सुनाते हैं। बल्कि दाता अली हुजवेरी के कदमों पे हाथ रख के हम में ऐसे गुलामाने मुस्तफा हैं जो कह सकते हैं कि आओ हम तुम्हें दिखाते हैं। क्या सुनाते हैं, क्या बताते हैं, क्या दिखाते हैं कि आओ आकर देखो हम तुम्हें बताते हैं हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम की सूरत पाक कैसी है, आपकी सीरत पाक कैसी है, आपके अखलाक कैसे हैं, आपका चलना कैसा है, आपका बोलना कैसा है, आपका देखना कैसा है, आपका उस्वा कैसा है, आपका तर्ज अमल कैसा है, आपकी जिंदगी गुजारने के असालीब क्या हैं। आओ इन चक्करों में ना पड़ो, दामन मुस्तफा से लिपट कर दोनों जहानों की कामयाबियां हासिल कर। ये दावत फिक्र है, ये पैगाम है। उसी आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बसूरत नज़म अपने नजराने मोहब्बत पेश करने की आसादत हासिल करेंगे। पूरा साल बारगाह गंज बख्श में बतौर दरबारी सना खान खिदमा सर अंजाम देने वाले सैयद रियाज हुसैन शाह साहब तशरीफ लाते हैं और अपनी खूबसूरत हाजिरी पेश करते हैं।
सब दुरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। अज सिक मित्रा दिव देरिये क्यों दिलड़ी उदास गने शौक चंगेरिये अज ना लायन क्यों जड़िया अज सिक मित्रा दिव दे मुख चंद बदल शाशानिये मथे चमके लाट नुरानिये मुख चंद बदल शाशानिये मथे चमके लाट नुरानिये काली जुल्फ ते अख मस्तानिये मखमूर अखी हैं मद बरिया अज सिक मित्रा दिव देरिये सुबहान अल्लाह मा अजमल का मा अहसन का मायक मलका सुबहान अल्लाह मा अजमल का मा अहसन का मायक मलका किथे मेरे अली किथे तेरी सना हाँ किथे मेरी अली किथे तेरी सना गुस्ताख अखी किथे जा अड़िया। इस अजीम शान रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस में साहबजादा जनाब सैयद अबरारुल हसन शाह साहेब और मोहतरम साहबजादा रजी अब्बास शाह साहब तशरीफ फरमाए हम उन्हें दिल की गहराइयों से वेलकम करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना तआरुफ कराते हुए फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तमाम तारीफें उस जात के लिए जो सारे जहानों का पालने वाला है।
तमाम आलमीन के लिए अल्लाह ने अपनी सिफत रबूबियत का इजहार फरमाया कि मैं रब वो है, अल्लाह वो है, अल्लाह वो है जो रब्बुल आलमीन है, अल्लाह वो है जो रब्बुल आलमीन है। और जब अपने महबूब अलैहिस्सलाम की रिसालत का जिक्र करके हुजूर अलैहिस्सलाम की रहमत का जिक्र फरमाया तो फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। महबूब, हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बना के भेजा है। वक्त कम है, बहुत सारी बातें छोड़ते हुए एक जुमला सिर्फ, अपनी जात के लिए अल्लाह ने फरमाया मैं रब्बुल आलमीन हूं, अल आलमीन का सीगा बस तवज्जो में रहे, जो लफ्ज, जो तरकीब और जो उसलूब रब्बुल आलमीन में है बिल्कुल वही रहमतुल लिल आलमीन में है। मतलब ये समझ आता है, ये बात बिल्कुल वाज़ह हो जाती है कि रब्बे करीम ये ऐलान फरमा रहा है कि ऐ किसी भी जहान में बसने वालों, किसी भी दौर में आने वालों, किसी भी हैसियत से आलमीन में अपने आप को शामिल करने वालों, कान खोल कर सुन लो, जहां तक मुझ खुदा की खुदाई है, जहां तक मुझ खुदा की खुदाई है, याद रखना वहां तक मेरे मुस्तफा की मुस्तफाई। उसे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपने खूबसूरत उसलूब और पैराए में नजराने मोहब्बत पेश करने के लिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ। पैकरे मोहब्बत और इखलास जो हुजूर फैज़ आलम की बारगाह हो या पूरा महकमा हो, औलिया इज़ाम की तालीमात हों, उनकी तसनीफात हों, उनके मलफूजात हों, उनके आरास हों, उसके खूबसूरत इंतज़ामात और औलिया की अफकार का इबलाग हो किसी भी शक्ल में, उसे लीड करते हुए, रहनुमाई करते हुए तशरीफ़ लाते हैं जनाब डॉक्टर सैयद ताहिर रज़ा बुखारी साहब, डायरेक्टर जनरल मज़हबी उम्र औक़ाफ़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अफ़ज़लुस्सलाति व अकमलुस्सलामि अला सय्यदिल अंबियाई वल मुरसलीन व अला आलिहिल किराम व अस्हाबिहिल इज़ाम अजमईन। लायक़े सदे एज़ाज़ हाज़रीन व सामईन, मैं सबसे पहले हज़रत मुफ्ती साहब को आज के जुमे के इस इज्तिमा को शान रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के हफ्ते के सिलसिले में जो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से इनेकाद पज़ीर है, उस तसलसल में आज की ये वकी और ख़ूबसूरत कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर हदिया तबरीक पेश करता हूँ। और बिलाशुबा पंजाब गवर्नमेंट इस अमर पर लायक तहसीन और सताइश के मुस्तहिक है कि उन्होंने इस गुज़िश्ता एक हफ़्ते के दौरान मुख्तलिफ नौयत के जो प्रोग्राम अरेंज किए हैं और बिलखसूस सीरत तैयबा और उस्वे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की आगाही के हवाले से जो रोड मैप उन्होंने मुकर्रर किया है, उससे एक रवादाराना फलाही मुआशरे की तश्कील का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा। नबी अकरम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम आपका उस्वा और बिलखसूस जो आपकी सिफत रहमत है, मुफ्ती साहब ने जो वकी इशारा फरमाया कि जिस तरह अल्लाह ताला का फ़ज़ल इंसानियत के हर जीने और हर दर्जे तक पहुंचता है, इसी तरह नबी अकरम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का फैज़ इस कायनात के ज़मानो मकान और हुदूदो कुयूद से मावरा हर जर्रे और हर जिन्स और हर तबके तक पहुंचता है। इसी लाहौर के अंदर
उस शायर के आखिरी अय्याम गुजरे जो बुनियादी तौर पर हिंदू था और दुनिया उसे दिल्लू राम के नाम से जानती है, वो पढ़ा और ज़िंदगी के माहौसाल उसके गुजरे, शेर व शायरी से उसको शगफ हुआ और फिर उसकी किस्मत और उसका मुकद्दर जागा और था तो हिंदू लेकिन नबी अकरम रसूल मोहतशम ताजदार ख़त्मी मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की मोहब्बत उसके सीने में घर कर गई और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात बयान करना, आपके औसाफ को पैराए अशार में लाना, ये उसका काम हो गया। और फिर उसने एक नात कही और उसमें वो कहता है कि रहमतुल्लिल आलमी के हश्र में माना खुले, ये है तो हिंदू। और बाज़ औक़ात तो कलमा पढ़ के भी हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक का वो शगफ अता नहीं होता, और उनका अगर किसी पर फजल हो जाए तो वो किसी पर भी हो सकता है। वो कहता है कि रहमतुल्लिल आलमी के हश्र में माना खुले कि एक तो आपकी सिफत रहमत हम इस दुनिया में देखते हैं, लेकिन वो कहता है कि असल जो माना और मफहूम रहमतुल्लिल आलमीन के हैं वो हश्र में दुनिया को मालूम होंगे कि रहमतुल्लिल आलमी के हश्र में माना खुले खल्क सारी शाफ़े रोज़े जज़ा के साथ है। और आगे वो कहता है कि एक अजीब बात हो गई, वो दिल्लू राम कहता है कि लेके दिल्लू राम को जन्नत में जब हजरत गए, वो दिल्लू राम कहता है कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत करता हूं और ये मोहब्बत मुझे किस तरह महरूम रख सकती है। कहते हैं कि लेके दिल्लू राम को जन्नत में जब हजरत गए, गुल हुआ हिंदू भी महबूब खुदा के साथ है। ये एक नेचुरल बात थी, फितरी बात थी कि शोर हुआ। कहता है कि हर तरफ कि एक हिंदू जो है एक झंडा जो है वो तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के लिए है, वो तो आपके कलमा पढ़ने वालों के लिए है। वो कहता है कि शोर मच गया हर तरफ कि ये हिंदू जो है ये जन्नत में कैसे चला गया और ये जन्नत में कैसे जा रहा है। लेके दिल्लू राम को जन्नत में जब हजरत गए, गुल हुआ हिंदू भी महबूब खुदा के साथ है। और फिर उसकी ये मुनाजात नबी अकरम ताजदार खत्मी मर्तबत आपकी बारगाह में पहुंची और उसकी इल्तिजाएं, उसकी दुआएं, उसकी तमन्नाएं, उसके अशार पाया कबूल को पहुंचे और जिंदगी के जब आखिरी लम्हे आए और उस पर जोफ की कैफियत थी तो अचानक एक दिन यूं हुआ कि नबी अकरम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करम फरमाई की और दिल्लू राम जो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। और यूं उसका ये शेर कि लेके दिल्लू राम को जन्नत में जब हजरत गए, गुल हुआ हिंदू भी महबूब खुदा के साथ है, उसने कलमा पढ़ा और नबी अकरम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की सिफत रहमत का इस तरह जलवा हुआ और इस तरह इजहार हुआ कि वो कलमा पढ़कर इस्लाम के दायरे में दाखिल हुआ और नबी अकरम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात के दायरे में आया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के साथ ताल्लुक और आपके साथ निस्बत, इसको कायम करना ये दुनिया और आखरत में कामयाबी की नवीद है। जैसा कि मुफ्ती साहब ने कहा कि दुनिया ये आज से नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके मुतालिक हर्जा सराई की तारीख उतनी ही पुरानी है जितनी के आज खुद इस्लाम की तारीख। लेकिन कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने सूरह कौसर में इन्ना आतैना कल कौसर फसल लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिया कहू अल्लाह कहकर दुनिया को ये बता दिया कि जैसा इकबाल ने कहा था कि चश्म अकवाम ये नजारा अबद तक देखे, रिफत शान रफा नाला का जिक्रक देखे। नबी अकरम रसूल मोहतशम
सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की अजमत, आपकी हुर्मत, आपकी इज्जत और आपकी शौकत के फरेरे हमेशा चश्मे फलक एक नए अंग में और एक नए उफक पर और एक नए अंदाज में हमेशा देखती रही है और देखती रहेगी। मैं बारे दिगर हुकूमत पंजाब को उनके इस वकी एहतमाम पर और बिलखसूस ये जो पूरा वीक और पूरा हफ्ता शान रहमतुल्लिल आलमीन मनाया जा रहा है उस पर हदिया तबरीक और मुबारकबाद पेश करता हूँ। और महकमा औकाफ और मजहबी उमूर की तरफ से जो शायन शान प्रोग्राम मुनाकिद हुए उस पर भी उनको हदिया तबरीक पेश करता हूँ। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله تعالى، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والإعلان، فإن التقوى سلام دار الإيمان، وزينوا قلوبكم بحب هذا النبي الكريم عليه أكرم الصلاة وأتم التسليم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى ملك كريم جواد بر الرؤوف الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أبدا، لا سيما على أولهم بالتصديق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى أعدل الأصحاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم، وعلى ابن الكريمين السعيدين الشهيدين والقمرين المنيرين سيدينا أبي
محمد الحسن وابي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى امهما سيده النساء فاطمه الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى سائر فرق الانصار والمهاجره وعلينا معهم يا اهل التقوى واهل المغفره. اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم ارحم علينا وعلى جميع المسلمين في كل مكان، وألف بينهم واجمع كلمتهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون.